देश कोरोना से लड़ रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते तमाम लोग समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे हैं। उन्हीं में से दिन रात का एक कर समाज सेवा में डटे हैं लेखपाल और कानूनगो, लेकिन पुलिस द्वारा उनके चालान काटकर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, जिसकी शिकायत लेखपालों ने मिलकर जिलाधिकारी कुमार प्रशांत से की। जिलाध्यक्ष भोजराज सिंह का कहना है कि हमारे सामने समस्याएं पुलिस की तरफ से आ रही हैं, जिससे उच्च अधिकारियों को कई बार अवगत भी कराया जा चुका है। हम लोग भी कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी कर रहे हैं, पर ड्यूटी पर आते जाते समय हमें पुलिस द्वारा रोककर जगह जगह प्रताड़ित किया जाता है। कई जगह हम लोगों के चालान भी कर दिए गए हैं। समस्याएं हमारी पुलिस के द्वारा आ रही हैं और बार बार कहने पर उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया, हमने पहले भी अवगत करा चुके हैं कि मतलब जहाँ जहाँ हमारे लेखपाल ड्यूटी पर जा रहे हैं, जबकि इन विषम परिस्थितियों में कोरोना के ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग, जबकि इसलिए इतनी कठिन परिस्थितियों में कर रहे हैं ड्यूटी, जिसको लेके हम अपना घर द्वार छोड़कर अपनी जीवन की परवाह ना करते हुए हम सभी लेखपाल, पूरे जनपद के लेखपाल हमारे अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं। जहाँ जहाँ ड्यूटी लगाई जा रही है हम वहाँ काम कर रहे हैं, और बीच में जब जाते समय ड्यूटी से लौट रहे होते हैं या जाते हैं, तो पुलिस के जगह जगह हमें रोक के प्रताड़ित किया जाता है, और पुलिस वाले कहीं कहीं तो इतनी अति कर दी कि हम लोगों के चालान कर दिए गए, पीछे से फ़ोटो खींचा चालान कर दिया, पता चला हमें व्हाट्सएप पे या उस पर नेट पे आ रहा है कि आपका चालान कट गया। हमारे लेखपालों के साथ कहीं कहीं तो हाथापाई भी कर दी गई, दुर्व्यवहार भी किया गया। तब हम आके हम उच्च अधिकारियों को अवगत कराया।